बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया इसलिए भी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हम गांधी जी की प्रतिमा के वहां से आए हैं। हम सब महिला सांसदों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का विरोध किया कि जिस प्रकार से भारतीय संसद और इस भारतीय संसद को हमें संविधान ने जो ताकत दी और जनता ने यहां पे हमें चुन के लाया, उस भारतीय संसद में जिस प्रकार से नाटक गृह की तरह नाटकीय कार्यक्रम ऑपोजिशन की पार्टियां कर रहे हैं, उसका हम महिलाएं विरोध कर रही थी। और आज मैं इस अपनी वाणी की अपनी भाषण को शुरुआत करने से पहले भी उसका विरोध करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारे सांसदों ने उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया और जिस प्रकार से अपमान किया और उनकी जाति का अपमान किया, उनकी कुर्सी का अपमान किया और उनके जिस प्रकार से भारतीय संसद का अपमान किया, ऐसी थिएट्रिक्स के लिए ये नाटक गृह नहीं है, संसद है, वो याद रखें। शेम सर, शेम। ठीक है, इस पे मुझे अरुण जेटली की एक बात याद आई। अरुण जेटली जी को हम हर वक्त याद करते हैं, सबसे उम्दा कानून मंत्री, हमारे सबसे अच्छे नेता थे। उन्होंने एक बार कहा था ऑपोजिशन को कि इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, इस मोड़ पर घबरा के थम न जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। अभी नया बिल आ रहा है, भारत का नवनिर्माण हो रहा है, तो जब बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे चलने को क्यों आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं, आ जाइए आप। जब भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं, भारत की संसद में लोकतंत्र को साथ में मूल्यों को ले जाना चाहते हैं, तो हम चाहती है कि भारत की संसद को नाटक गृह न बना के इस संसद का अपमान रखे और अपमान न करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने हर चीज, जब से सरकार आई है 2014 से, ये भारत सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी तबके के लिए समर्पित की। और मुझे अच्छा भी लगता है जब उन्होंने कहा था इट हैज टू बी ए वुमेन लेड डेवलपमेंट, कि महिला को उस बीच में रख के भारत जब आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, तो भारत और पुरजोर रूप से आगे जा सकता है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हर कोई बिल, हर कोई कानून, ये भारत की जनता, हर प्रकार की जनता, हर प्रकार का तबका को विचार करके ही ये कानून लाया गया है। अमित भाई को धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि कश्मीर भारत का शीर्ष है और हमारा, वी कॉल इट क्राउन ऑफ इंडिया, कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारी जान है, हमारा आत्मा है। ये हम सिर्फ भाषणों में कहते जा रहे थे और लड़ रहे थे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क भारतीय जनता पार्टी दिखाती नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार लाई और धारा 370 हटा के हमारे अमित शाह ने यह दिखाया कि कश्मीर भारत का मुकुट है और उसका सम्मान हम करके दिखाएंगे, तो हर कोई कानून इसी रूप से भारत के सम्मान के लिए, इस जनता के सम्मान के लिए, लोगों के लिए और लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए है। हर कोई कह रहा है यहां पे गुलामी की मानसिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। 1860 में ये कानून बनाए थे, ये कानून वॉज टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट टू गवर्न द पीपल ऑफ इंडिया, जो आप 1860 में बनाए। और आज 2003 में जब ये कानून अलग रूप से बन के आ रहे हैं, इज टू गवर्न एंड रिफॉर्म, द कानून को रिफॉर्म करके उसको समाज को कैसे आगे ले जाए, इसके लिए इन कानूनों को बनाया। 2 साल लग गए, ठीक है, मानसिकता से तोड़ के आगे बढ़ने के लिए समय लगता है। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा बोला यहाँ पे कि अंग्रेज और कांग्रेस एक जैसे ही थे और उसी रूप से उन्होंने भी कानून आगे बढ़ाए, लेकिन आज नई सुबह आई है। इस नई सुबह में नागरिक की सुरक्षा भी होगी, कानून में सुधार भी होंगे और समाज का सम्मान भी होगा। मैं संक्षिप्त रूप में सिर्फ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, एवरीबडी स्पोक अबाउट कैसे कानून रिफॉर्म हो रहे, सब हो रहा है। मैं दो चीजों पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन सुधारों में महिलाओं की सुरक्षा को लेके विशेष ध्यान दिया गया है। क्रूएल्टी इज डिफाइंड स्पेसिफिकली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री अगेंस्ट वुमेन। मेंटल इलनेस इज अ वेरी वाइडली डिफाइंड इश्यू, तो मेंटल इलनेस को अनसाउंड माइंड के हिसाब से भी उसको देखा गया है। एक बहुत अच्छी बात यह, छोटे छोटे, माफ करिए, चोर उचक्के, हम कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं होती है और गलतियां करते हैं, तो उनको जेल में डाल के जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा उनको कम्युनिटी सर्विस में लाके समाज में काम करने के लिए, समाज में सुधारक रूप से देने के लिए जरूरत है। मैं सिर्फ संक्षेप में एक मिनट में बात कहूंगी जिसके लिए मैं यहां खड़ी हूं। मेरे साथी सब बोल चुके हैं, सब बोलने वालों के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए सब खड़े। मैं बोलना चाहती हूं जो बोल नहीं सकते, मासूम जानवर,
भारत की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति, विचारधारा, ये सब कुछ मनुष्य और प्रकृति को विचार को लेके साथ में चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं, प्राणी विशेषकर हमारे भगवान भी लेके चलते हैं। हर भगवान भारतीय हिंदू संस्कृति में, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं प्राणी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम ये भी कहते हैं गो माता के अंदर सारे भगवान है, उनको नमस्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि दो कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है, प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है, और उनपे अभी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो BNS पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हैं उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा जाए कि स्टेट हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणी भी आते हैं। PCA एक्ट जब तक अमेंड नहीं होता तब तक 428 में से आप 325 आपने किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो तो ₹50 में आदमी छूट जाता है, प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो। लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सजा वैसी रही जो धारा 377 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए, ये बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज By the way its animals are treated। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बातें जो BNS में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें, तो जब अत्याचार होता है बड़े क्रिमिनल छोटे छोटे बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें, कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।